काल की कवियों ने हमारे जीवन में जो कुछ अंधकार था उसे प्रकाश से भर दिया है। ऐसी ऐसी सीख दी है कि अगर हम उस राह पर चले तो हमारे जीवन का अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये सारे कवि हमें बताते हैं कि हमारा जीवन बड़ा ही सुंदर है, सिर्फ उस पर गर्द गुबार है, उसे हम हटा दें तो सब कुछ पवित्र, सुंदर और उज्जवल होगा, जैसे इस दोहे में कहा गया है। या अनुरागी चित की गति समझे लगो, गति समझे लगो। या अनुरागी चित की गति समझे रागी चित की गति, इसकी चाल समझ में नहीं आती, बहुत ही विचित्र है इस मन को समझना। जो भक्त डूबा हुआ है प्रभु की भक्ति में उसकी चाल नहीं समझ नहीं पाते, क्योंकि जो जो उज्ज्वल हो, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। जैसे जैसे ये अनुरागी मन शाम के रंग में डूबता है वैसे वैसे उज्ज्वल होता जाता है, जबकि नियम यह है कि काले रंग में डूबने पर काला मन होना चाहिए, लेकिन सांवले कृष्ण के रंग में डूबकर हमारा रंग उज्ज्वल होता है। भाव यह है कि हम प्रभु की भक्ति में लीन हो, उनके प्रति आसक्ति रखें तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, हमारा रंग उज्ज्वल हो जाएगा। या अनुरागी चित की गति समझे लगो, गति समझे लगो। इस मन को समझना पड़ेगा, इस मन की भक्ति को समझना पड़ेगा, फिर इसमें पवित्रता अपने आप आएगी। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों उज्ज्वल हो।